अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तू यहीं रुक, उस आग में से दुश्मनी मेरी है ना, मैं अकेली देखती हूँ। वीर जी, करण जी अंदर है क्या? मैम साहब अंदर नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं दीदी को सारा शहर घुमा लूंगी लेकिन तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी। इतनी देर क्यों लग रही है दीदी को? अभी तक इसको पता नहीं चला कि करण यहाँ पर नहीं है। कैसा लगा जब अपनी सांसें रुकती हैं तो? ऐसी मेरी मां की सांसें रोकने की कोशिश की थी ना आपने? तो मैंने सोचा मैं आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा दूं कि कैसा लगता जब अपनी सांसें रुकती हैं तो। कैसा लगा परम सुंदरी जी? शर्म नहीं आती अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ तुम ये सलूक कर रहे हो? शायद आपने सुना नहीं परम सुंदरी जी, एक कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज होता है, और अगर जायज नहीं भी होता ना परम सुंदरी जी, तो तब भी मैं आपके और आपके परिवार के साथ ऐसा ही सलूक करता। क्योंकि जायज की फिक्र तो वो करते हैं जो नाजायज होते हैं। वैसे इतना हैरान होकर देखने वाली क्या बात है परम सुंदरी जी, आप तो अच्छे से जानती हैं ना मुझे और मेरी मां को। वैसे मैं भी आपके बारे में एक सच जानता हूं कि कैसे आपने मुझे और मेरी मां को नाजायज रिश्ते का नाम देके अपने रिश्ते को जायज बनाया था। कुछ नहीं होगा मम्मी जी को, मुझे कुछ भी करके करण तक पहुंचना ही होगा। बाबा जी इस परीक्षा में ना आपको आपको मेरा साथ देना ही होगा। करण करण किसी के समझाने से ना समझने वाला नहीं है, लेकिन करण की कमजोरी रूपा जी में, मुझे कुछ भी कर रूपा जी तक पहुंचना होगा। स्कूल कॉलेज तो गई नहीं आज तक, पता नहीं इतनी चालाकी कहां से सीख कर आई है। अगर ये करण तक पहुंच गई वो तो मुझे जिंदा ही हलाल कर देगा। ये बचपन से लेके आज तक मैंने और मेरी मां ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने और नफरत सुनी है, और वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है परम सुंदरी जी। लेकिन वो बेचारी औरत कल से कुछ नहीं कहा है उन्होंने, क्यों? क्योंकि आपके पति परमेश्वर परम ढिलो उस हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसे कहते हैं प्यार, ना कि आपके पति परमेश्वर अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और आप यहां बाहर किसी और की जान लेने पे तुली हैं। तुझे क्या लगा तेरी इमोशनल स्पीच सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तेरी मां को
अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगी। ये खुशी तो मैं उसे इस जिंदगी में नसीब नहीं होने दूंगी। एक और चीज अपनी माँ को कहना, 25 साल गुजर गए और आज भी राजरानी ने हारना नहीं सीखा है। मैं जानता था आप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हाउ अबाउट जब आपके सामने ही आपके बेटे को मैं गोली मारूंगा तो कैसा लगेगा आपको? बैंड बाजा इस पर टीचर दूल्हे के लिए, कौन समझाए इन लोगों को? जब तक पति के पास पैसे नहीं है कोई मतलब नहीं है शादी करने का। दीदी कहां गई? इससे पहले कि कला मुझे ढूंढ ले या करण मम्मी जी को कुछ कर दे, मुझे किसी भी हाल में रूपा जी तक पहुंचना होगा। पर जल्दबाजी में पर्स तो लाई नहीं मैं, अभी रिक्शा के पैसे कहां से? ढूंढूं मैं इसे? क्या दीदी घोड़े में कहां जा रही? अरे ड्राइवर जल्दी वो घोड़े के पीछे लो। कौन सी घोड़ी मैडम, घोड़ी तो चली गई। लेके जा रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। मां, 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 आप यहां पर क्या कर रहे हो? वाह, क्या प्यार है यार। What the hell you want, man? तेरी जो भी दुश्मनी है ना तो मुझसे निकाल, पर इन सब में मेरी मॉम को घसीटने की जरूरत नहीं है, समझा तू? मिर्ची लगी नहीं लगी? मिर्ची नहीं लगी कोई बात, अब लगेगी। तो क्या है ना तेज, कि मुझे हिसाब बराबर करने में बहुत मजा आता। आज तेरी परम पूज्य मॉम ने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की, तो अब मैं भी जान लूंगा तेरी, और वो भी तेरी मां की आंखों के सामने। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।